नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर के एग्जाम को लेकर कि किस प्रकार आपका एग्जाम पैटर्न आएगा, कितने क्वेश्चन करने हैं, पूरा आपको जो ऑफिशियल रूप से जो चीजें आई हैं वो आप तक एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित में जितने भी वीडियोस बन रहे हैं लगातार आपके लिए वीडियोस डाल रहा हूं और भी वीडियोस आपके लिए डालते रहेंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा एग्जाम पैटर्न को लेकर, सबसे पहले देखिए ये जो नॉर्मल चीजें हैं आपको पता है कि 50% करना है, तो ये चीज बताऊंगा कि 50% आपको क्या अथवा वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो मेन आपकी समस्या है ये आपकी मैं सोल्व करने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताऊं मैं जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने कहा है ऑफिशियल रूप से, जो आपका एग्जाम पैटर्न हुआ जैसा फाइनल ईयर में रहा था, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को कहा था कि आपको केवल मात्र 50% पेपर करना है, तो 50% पेपर ही आपको, यानी सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट है उनको भी 50% ही करना है। अब बात रही दोस्तों की अथवा वाले कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर किस प्रकार का आता है ये आपको मैंने बताया था, जो पिछला वीडियो था आपने शायद नहीं देखा है, तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में लगभग प्रमोट हुए थे पर किन्हीं ने एग्जाम भी नहीं दिए, तो फर्स्ट ईयर से प्रमोट हुए तो आपको पेपर लगभग नहीं पता कि किस प्रकार आता है, तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपका पेपर कितने चरणों में आता है, कितने खंडों में आता है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, उसका मैंने पेपर दिखाकर प्रूफ के साथ आपको चीजें एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले वो वीडियो जो आप देख सकते हैं। लेकिन आप रही बात एग्जाम पैटर्न की, तो आपको 50% करना है और आप कोई सा भी 50% कर सकते हैं, किसी प्रकार की सेक्शन की बाध्यता भी नहीं है, यानी आप अथवा वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप सेक्शन सी के अंदर आपको दो क्वेश्चन करने हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन करेंगे, दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मान लीजिए वो दोनों क्वेश्चन करते हैं, कुछ आप शॉर्ट क्वेश्चन कर दीजिए, कुछ आप जो मीडियम क्वेश्चन आते हैं खंड ब आता है उनमें से कुछ क्वेश्चन कर दीजिए। मतलब अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो केवल मात्र आपको 25 नंबर का काम करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम ज्यादा कर दें, तो ज्यादा किया हुआ चेक नहीं होगा, केवल मात्र जो आपने 25 नंबर तक का काम किया है वही आपका चेक किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। और वही यूनिवर्सिटी जितने आपको, देखिए नंबर आपको 50 का है तो 25 में से ही मिलेंगे जितने नंबर आए हैं, लेकिन उसको ही यूनिवर्सिटी आपके 50 नंबर में कन्वर्ट कर देगी, यानी जो आपने 50% किया है उसको यूनिवर्सिटी 100% में कन्वर्ट कर देगी। तो ऐसा कुछ आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा दोस्तों, कोई बाध्यता नहीं है, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से आप पेपर कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, दो यूनिट पढ़ेंगे अच्छे से तो भी आपका काम अच्छे से आराम से चल जाएगा। आप दो यूनिट अच्छे से तैयार करेंगे तो कोटा यूनिवर्सिटी में आपका काम अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ में ये भी एक आपके लिए बेनिफिट है कि कोटा यूनिवर्सिटी एक ही पेपर करा रही है। लगभग जितने भी मैंने विश्वविद्यालय के टाइम टेबल देखे उनमें मुझे कोटा यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट लगा, केवल मात्र एक दिन के अंदर एक एग्जाम, तो अच्छा है। आराम से दोस्तों चीजें तैयार कीजिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो भी आप कर सकते हैं और भी वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस तरह के और नए लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।